भारत में क्रिकेट जितना फेमस है उतना ही श्रीलंका में भी क्रिकेट को लेकर के लोगों में, वहां के युवाओं में दीवानगी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में उठापटक का माहौल बना हुआ है। श्रीलंका क्रिकेट में माहौल इस तरह का बना हुआ है कि वहां से श्रीलंका के जो बड़े प्लेयर हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो भी अपने देश को छोड़ कर के अब अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं। आखिर वह अमेरिका की ओर रुख क्यों कर रहे हैं और इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए देखिए हमारी खास क्रिकेट, जिसे एशिया में लोगों का दिल कहा जाता है। इसे लेकर के भारत के साथ कई एशियन देशों में यह खेल दिल से जुड़ा हुआ है। जिस तरह यूरोपियन देशों में फुटबॉल की दीवानगी देखने को मिलती है, वैसे ही एशियाई देश और श्रीलंका में क्रिकेट की दीवानगी सर चढ़कर के बोलती है। इस समय श्रीलंकाई क्रिकेट के दिन फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं। अपनी ही जमीन पर टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के हाथों 2-0 से हारने के बाद श्रीलंका के कई क्रिकेटरों के देश छोड़ने की आशंका बढ़ गई है। श्रीलंका के कई खिलाड़ी अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना छोड़कर के अमेरिका का रुख करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे श्रीलंका क्रिकेट में उथल पुथल मच गई है। टीम में उचित मौका न मिलने और वेतन में कटौती के चलते श्रीलंका के कई सीनियर खिलाड़ी और घरेलू खिलाड़ी भी अब मार्च महीने तक देश छोड़कर के अमेरिका में बसने पर विचार कर रहे हैं, जहां पर वे अमेरिका के लिए क्रिकेट खेलेंगे। इन खिलाड़ियों में उपुल थरंगा और दुश्मन चमीरा समेत लगभग 15 खिलाड़ी हैं। श्रीलंकाई अखबार द मॉर्निंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रिकेटर अपने देश में सही मौका न मिलने और आर्थिक तौर पर भी अच्छा समर्थन नहीं मिलने के चलते निराश हैं और नए विकल्प तलाश कर रहे हैं। पिछले महीने ऑलराउंडर शेहान जसूरिया के अमेरिका जाने के फैसले के बाद अब अन्य क्रिकेटर भी इसी रास्ते पर चलने का मन बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के सीनियर ओपनर उपुल थरंगा, तेज गेंदबाज दुश्मन चमीरा, अमिला अम्पोसो, मलिंडा पुष्पकुमारा, दिलशान मनवीरा, लाहिरू मधुशंका, मनोज शरद चंद्रा और निशान पेरिस जैसे राष्ट्रीय टीम और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खिलाड़ी अमेरिका जाने का मन बना चुके हैं। अमेरिकी दुनिया के अलग अलग देशों के क्रिकेटरों को मिलाकर के एक नई टीम तैयार करना चाह रहा है। इस खिलाड़ी के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड के पैसा घटाने और हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिर से न बढ़ाने के हालिया फैसले के बाद कई खिलाड़ी जाने की योजना बना रहे हैं। वहां कम से कम सालाना $50,000 यानी कि करीब 97 लाख रुपए श्रीलंकाई दिए जाते हैं। बड़े स्तर पर खिलाड़ियों का पलायन होने से कहीं श्रीलंका में क्रिकेट का भविष्य अंधकार में ना चला जाए, इस घटना को रोकने के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना चाहिए। स्पेशल डेस्क से रोनक पारिक की रिपोर्ट।